सिख कौम मेरी समझ तो बाहर हो गई है भी मैनू समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया यूक्रेन के विचों निकलन की करन दई है अपनी जान बचाउन की करन दई है पर इस सिख कौम पता नहीं कदी बनी है ये पता नहीं प्लास्टिक की बनी है जिन्हां दे विच डर खौफ ना दी कोई चीज़ है ही कोई नहीं है। अज तुसी वीडियो देखोगे तो माण महसूस करोगे कि सिखा सिख कहिंदे आ कि सानू यूक्रेन भेजो असी यूक्रेन वालियां दी मदद करांगे। हाँ जी वट्सअप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ, फेसबुक ते मेरे पेज नूं लाइक करो, वट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दीआं वीडियो सेंड करो। सो आ वीडियो स्टार्ट करिए। सिख कौम दुनिया के किसी भी कोने च वसदी होवे जुलम के खिलाफ हमेशा सिर चुकदी है अते जुलम नू हमेशा दबाउणा भी जानदी है। दस दईए कि यूक्रेन के उत्ते जिवें जिवें रशिया हमला करता जा रहा है यूक्रेन की हालत पतली होंदी जा रही है। हुण उत्थे ही श्री अमृतसर साहिब के दो साबका सिख फौजियों के वलों चाहना जताई गई है कि वह यूक्रेन के हक के विच जा के जंग लड़ना चाहते ने रशिया के खिलाफ। इन्हां दोवां फौजियों ने भारत सरकार के कोलों परमिशन भी मंगी है, इजाजत मंगी है कि उन्होंने यूक्रेन जाने की इजाजत दी जाए, जिमें कि यूक्रेन ने हुण वीजे खोल दिते ने कि कोई भी दुनिया का नागरिक आके उन्होंने हक च खड़े उन्होंने मदद करे। तो इन दो सिख फौजियों ने चाहना जताई है कि सानू भारत सरकार इजाजत देवे तो असी यूक्रेन जाके यूक्रेन के हक के मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ांगे अते उत्थे दे अपने भारतीय विद्यार्थियों भी सुरक्षित लियाउण की पूरी कोशिश करांगे। की कहना इन्हां सिख फौजियों का, आओ सुनते हैं। हाँ जी सर, अपने बारे जानकारी दो। सर मेरा नाम हौलदार हरजीत सिंह, जिला अमृतसर, छाटा साहब गुरु की बडाली विखे असी रहने जी। तो यूक्रेन वालों जी इजाजत दी गई है कि किस तरह से क्या पता लगा? सर जिस तरह की हमें पता लगा कि कल यूक्रेन सरकार ने जोड़े आ वीजे बिल्कुल फ्री करते आ कि उन्होंने ये मैसेज दिता कि जोड़ा साड़ी हैल्प वास्ते कोई भी किसी भी देश का नागरिक साड़ी हैल्प वास्ते आना चाहता आ तो वो साढ़े इतने आ सकता। तो साढ़े भी मन के ख्याल आया कि असी भी यूक्रेन दे नागरिकां दी मदद वास्ते सर आपने तैयारी की है तो थोड़े दिन तक आप सर जाना एक दो दिन कारण, तक कारण की क्यों तैयारी की? कारण यह है सर देखो उत्थे जंग जी लगी हुई है तो काफ़ी उन्होंने जोड़े नागरिक आ कैजुअल्टी हो गए ने। तो देखो असी भी इंसान हाँ तो इंसानों देख के साढ़े भी मन के ख्याल आया कि इंसानों की हैल्प वास्ते बंदा बनया तो इंसानों की हैल्प वास्ते ही आप जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि सर यूक्रेन के ही इदा की कोई मुसीबत आई, किसी भी देश में कोई भी इदा की आफत आँदी आ तो वास्ते पंजाबी जी कौम हमेशा तैयार रहेगी। सर होर भी बड़िया इस तरह दी मुश्किल ने जिड़िया उस इलाके के आ रही है कि उस भारतीय बच्चे फसे ने इस वक्त अभी पहल कर चले या फिर यूक्रेन बिल्कुल सर भारतीय लोग भी फसे ने, यूक्रेन के लोग भी उत्थे फसे ने, बच्चे महिलावां भैन मावां जिहड़ियां उत्थे उस मुसीबत का सामना कर रही हैं। तो सर असी जे जावांगे तो असी उन्हां दी फुल सपोर्ट करांगे उत्थे जाके जी। तैयारी की सरकार को इजाजत लेना चाहते? बिल्कुल जी सर, सरकार को असी मोदी सरकार को यह परमिशन लेना चाहते हैं कि असी पंजाबी हमेशा जंग लड़न वास्ते तैयार बर तैयार हाँ, साबका फौजी हाँ, तो जे सानू साडी गवर्नमेंट सानू परमिशन दे तो असी बिल्कुल जंग लड़न वास्ते तैयार हाँ। सानू सर हथियार चलाना भी आता, सानू सारा कुछ ही जिहड़ा ट्रेनिंग जिहड़ी आ सानू मिली हुई है, जिस तरह कि उस बार्डर के उपर पहुंची हुई है तो उत्थे उन्होंने लंगर का जिहड़ा प्रबंध किया होया, लोगों नू जिन्नी भी वो फैसिलिटी दे सकते हैं वो वध तो वध फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन साढ़े विच इह काबिलियत आ असी हथियारां दे नाल जिहड़ी आ जंग बिल्कुल आपां जिहड़ी उह लड़ सकदे हां जी। डर नहीं लगदा कि उत्थे मौत वानी दी सर? अजे तक अपने इस चीज़ के विचों लंघे हुए हैं, सानू लड़न दे वास्ते बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जे सानू शहादत का सामना करना भी पवे तो सर असी बिल्कुल शहादत देने लिए तैयार हाँ। सिर्फ एक नागरिक होने के नाते इंसान नू बचाउण वास्ते असी बिल्कुल तैयार बर तैयार खड़े हैं जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी, मेरा नाम होता दलजिंदर सिंह, मैं ही सिखलाई इन्फेंट्री चो पलसन आए हाँ, हूँ इतने छाटा साहब रह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਆਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਤਿਆਰੀ ਸਰ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਮਦਦ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ,
यार मेरी समझो बार है सिख कि सिख कि दिमाग दे विच की है सिखां दे। ओ यार पूरी दुनिया जो कुरियन चो भजन दी मैं एक वीडियो देखन दिया सीगा कि वीडियो दे विच लोकी यूक्रेन तो इंडिया दे विच आए है इंडिया दे विच आके सजदा करन दे है हैं सजदा करन दे है ते शुकराना करन दे है ते बड़ियां खुशियां मनाउन दे कोई ढोलकर वजाउन दे आ कोई टमक करन दे आ कि मेरी कुड़ी मेरा मुंडा हैं बड़ा सही सलामत जड़ा वापस आ गया वे ते सिख लोग यार सिख लोग कदे बने है इक्की दिमाग इन्हों का प्लास्टिक का वै कि प्लास्टिक दे है जिन्हों में डर खौफ का नाम ही कोई नहीं इन्हों की ख्वाहिश है कि सानू यूक्रेन भेजो मतलब कि निहंग सिंह वेख लो निहंग सिंह भी यही कहें कि सानू तुसी किसी ना किसी तरीके यूक्रेन भेजो और खालसा एड ने इन्हें क्या सानू भेजो वो आलरेडी पहले ही उत्थे पहुँच गई है कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके जाके उत्थे इंसानियत की मदद करा ते दूजे लोगों ने की किया है शिवसेना वाले अपने वालों बड़े बहादरी अपने वालों बड़े तेज बनते हैं उन्होंने की किया वै यूक्रेन का सदर भी सोचता होएगा कि भी अपना तुसी डॉक्टर बनने वास्ते इत्थे आए सी हैं मैं तुहानू डॉक्टर बनाया वै मैं तुहाडी हर चीज़ मैं तुहाडी हर ख्वाहिश तुहाडी पूरी की है तो अज मैनू तुहाडी लोड़ है तो तुसी मैनू पिठ दिखा के इत्थों दौड़ चले जे। और सिमरनजीत मान सिंह जी ने बिल्कुल सच्ची गल की है कि सिखां नूं उत्थों वापस नहीं आना चाहिए तो सिख उत्थों वापस कोई भी नहीं आते। इच्चे कैंकर ने पूछा कि तेनों डर डुर कोई नहीं सिखां नूं जां तू उत्थे जा के लड़ना वै उन्हां कोल एटमी हथियार है तेनों डर कोई नहीं गा। उन्हें कहा डर वाली कादी शैट डर ना दी। अज तुसी एक गल किसी को पुछो किसी नूं भी कह दवो कि भाई तू यूक्रेन जाना ही मूँह मंगी तेनों मैं इनाम देवांगा रोटी तेरे वास्ते वाधू करांगा दुनिया तेरे मैं हर शह देवांगा। वो कहेगा नहीं कोई बंदा मैनू मुफ्त विच भी लैके जाए तो मैं यूक्रेन कभी जिंदगी नहीं जावांगा। मैं कहना यूक्रेन का सदर वेचता होएगा सोचता तो होएगा कि असल कौम यह है बाकी सारे पिछों छुरा मार के निकल गए है बाकी सारे मुल्क नूं डॉक्टर बनन आए सीगे डॉक्टर बन गए है तो बाकी सब निकल गए है अज मैनू इन्हां दी लोड़ सी ते अज निकल गए है ते एक सिख कौम है यूक्रेन दा सदर भी देखदा होएगा ते जदों उहनूं पता चलिया होएगा ते माण महसूस करेगा आए हाए 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 मैं कहिंदा कि क्या बात है ऐसा जज्बा ऐसी चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दूजी किसी होर कौम दे विच मैनू इस तरह का मिलता होवे जिहड़ा दूजियां वास्ते जावे अपने वास्ते नहीं अपने वास्ते सारा कुछ जाता वै मुसलमान कोई मुसलमान कितने पास लड़ता होगा तो मुसलमान उठेगा मैं जावा क्योंकि मुसलमान जो है अपने जो है लेकिन मज़ा तो है जे गैर जे किसी के उत्ते जुलम होंदा हो तो वो उत्ते हक दे विच आवाज़ बोलो ये बोलन ही नहीं दे बल्कि मुतालबा करन दे गोरमेंट को कि सानू केड़ा मौका होवे ते असी जाइए उत्थे जाके ते जाके असी लड़िए ते जाके शहीद हो जाइए। मेरे खालसा ऐड वाले खास तौर दे उत्ते ये नहीं वेखदे कि ये मुसलमान है ये हिंदू है ये सिख है ये ईसाई है। वो गौरमेंट मैं कई दफा ये चीज़ा देखिया मैं गौरमेंट बाद पहुँचती है तो खालसा ऐड वाले पहले पहुँचे होंगे है आए हाए 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 यार मुसलमान नू मतलब कि एडा ज़्यादा माण महसूस होंगे वै इस चीज़ा वेख के सोच के कि खालसा ऐड वाले हर पासे मुसलमाना तुसी देख लवो जिथे भी मदद हुई खालसा ऐड वाले पहले पहुँचे मुसलमाना दे उत्ते कश्मीर दे विच कतलेआम होया खालसा ऐड वाले उत्ते पहुँचे म्यांमार दे विच कोई मुसलमान मुल्क कोई भी नहीं सी आया सिर्फ आए सी ते खालसा ऐड वाले आए सीगे ते खालसा ऐड वालियां ने दुनिया का दिल जित लिया। यूक्रेन का सदर भी वेखदा होएगा तो सलूट पेश करता होएगा सलाम पेश करता होएगा सिखां नूं ते खालसा ऐड वालियां नूं। बस जो मैं अपनी मुसलमान दे नज़र विच जो मैं समझना सी वो मैं तुहानूं दस दिता बाकी तुहाडा ही ख्याल है तुहाडी किराए है तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। इस आई दी वीडियो मिलेंगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते इजाजत चाहुंदे हैं अल्लाह हाफिज़।